नमस्ते दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से लिखा जाता है और लिखने के क्या अर्थ होते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको किस तरह से लिखा जाता है। आज का यह जो नया टॉपिक है वह है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है अभिक्रिया? जब कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना, कोई भी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? उत्पाद। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, जब भी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी यानी कि ऊष्मा। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया में एनर्जी निकलती है। आइए उदाहरण समझते हैं। हमने अपने घर में, सबने जब पुताई करते हैं तो कलई का प्रयोग करते हैं, सबने देखा होगा। तो क्या करते हैं जब वो कलई, या उसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को या बिना भुजे हुए चूने को हम कहाँ किस में मिलाते हैं? पानी में, H2O। ये सॉलिड होता है और पानी लिक्विड, तो हमें क्या मिलता है? भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपने जब देखा होगा, जब चूने की जब कलई होती है उसको उसमें पानी में डालते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो ये भी एक अभिक्रिया है जिसमें क्या है? दो, एक और दो, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं? अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। और उदाहरण समझते हैं, जो कोयला होता है, कोयले को जब हम जलाते हैं तो वह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। होता है क्या? कोयला यानी कि कार्बन, इसको हम ऑक्सीजन, ये क्या है? गैस के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो राख बचती है। इससे भी एक सिंपल उदाहरण है जो हम सबने देखा होगा, जल का बनना, H2 प्लस O2 प्लस क्या मिलता है हमें? पानी, H2O। क्लियर है? तो क्या ये रिएक्शन संतुलित है? नहीं, इसको पहले संतुलित करना पड़ेगा लेकिन इसीलिए हमें, अब ये संतुलित हो चुकी है। तो इसमें भी दो अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें हमने देखा कि इन रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा यानी कि एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी यानी कि इसमें एनर्जी बाहर एनवायरमेंट में निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो क्या हो गया? उसमें छेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रिएक्शंस
जिसमें एनर्जी बाहर एनवायरनमेंट में निकले, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये किसमें होती है? संयोजन अभिक्रिया में, जब दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते। सबकी समझ में आ गया? एक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो मैं आपको बताऊं, जो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकले, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा श्वसन। श्वसन की जो क्रिया है, क्या होगा श्वसन में? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। जो भी हम भोजन खाते हैं, जब उसका पाचन हो जाता है तो उसमें क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलता है। और इसका जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। तो श्वसन की क्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है और इस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए करते हैं। क्लियर सबके? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आइए आगे देखते हैं। जिस किसी की समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करके बता दे कि क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बाद में दोबारा से समझा दूंगा। अगला टॉपिक है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक ही उत्पाद बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। जिसमें एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। यहाँ पर अभिकारक कितना हुआ? एक, लेकिन जो उत्पाद होंगे वो एक या एक एक से अधिक, अधिक ही होंगे, दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलेंगे अपघटन। अपघटन यानी कि जो अभिकारक है वो छोटे छोटे और अधिक उत्पादों में टूट गया, जब प्रोडक्ट में वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया। उदाहरण से समझते हैं, जो फेरस सल्फेट है इसमें अगर हम इसको हम गर्म करें, इसको हम उष्मा दें, तो ये फेरिक ऑक्साइड में, जब हम फेरस सल्फेट, ये फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सक रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा अभिकारक है, वो संख्या में कितना है? एक है। जब उसको गर्म कर रहे हैं तो वो बहुत सारे उत्पादों में टूट गया है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्या है? एक उत्पाद बहुत सारे उत्पादों में, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट रहा है। और ध्यान दें तो ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। और समझते हैं, जो पानी है अगर इसे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है, किसमें तोड़ना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, ज्यादातर इसको गर्म करते हैं, यानी कि इसको हमने ऊष्मा दी। अभी यही रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जल बनाने के लिए हमें ऊष्मा उससे लेनी पड़ती है। आप समझे, भाप बनानी है आपको पानी से, तो क्या करना पड़ेगा? भाप बनाने के लिए हमें उस पानी को गर्म करना पड़ेगा। अगर भाप को हमें पानी में बदलना है तो उस भाप को हमें ठंडा करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपघटन अपक्रिया क्या होती है और वियोजन अपक्रिया क्या है। एक और उदाहरण समझते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का वोल्टवाइज, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये लेड के ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। तो आप समझ लें कि दो तरह की मैंने अभिक्रिया पढ़ाई है आपको, एक संयोजन अभिक्रिया और एक अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत सारे अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं संयोजन, यानी कि आपस में जुड़ना। और अपघटन अभिक्रिया क्या है, उसमें एक अभिकारक बहुत सारे उत्पादों में टूट जाता है। मैंने आपको उदाहरण से ही समझा दिया है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा।